अर्थ कौन है। ये कहानी महाभारत से है जो बताती है कि जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है। माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। सुभद्रा जी द्वार पर पहरा दे रही थी कि अगर कृष्ण और बलराम आ जाएंगे तो वो सबको आगाह कर देंगी, लेकिन वो भी कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने में इतनी मग्न हो गए कि उन्हें कृष्ण बलराम के आने का विचार ही नहीं रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आँखें बड़ी हो गईं, उनके होठों पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। सुभद्रा बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसलिए उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ के मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे और उनके आने से सब लोग वापस आवेश में आए। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर नारद बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्हें कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथ अवतार लिया। श्री कृष्ण अपने परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे पर पड़े एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाए। राजा ने इस कार्य के लिए वड़े की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक रहस्य में बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा कि प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी वो लेना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उसका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा से रहन आ गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उसने द्वार खोल दिया पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा था। राजा को आघात हो गया क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं थे और वह पछतावा करने लगा कि उसने द्वार क्यों खोला। पर तभी वहां पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाजा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला था, इसलिए उसे आघात चिंतन ना करें और वह निश्चित हो जाए। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियाँ विराजमान हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो पांडवों ने यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया था। भगवान कृष्ण का शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया लेकिन उनका दिल जिंदा रहा। तभी अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आपके दिल का क्या करें। भगवान ने कहा कि मेरा दिल पानी में बहा दो, और यही दिल इंद्रद्युम्न को मिला और भगवान ने उसे सपने में कहा कि उनकी लकड़ी की मूर्ति के अंदर मेरा दिल स्थापित करा दें, तभी से उनका दिल आज तक सुरक्षित है और यह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।